नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना अपोगे लैब की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आधुनिक बैंकिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बैंकिंग के बारे में बताया था, कौन कौन से बैंक होते हैं, फिर वित्त के बारे में बताया, फाइनेंस के बारे में बताया, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक बनाया, ये सब कुछ बताने के बाद दोस्तों मैंने आखिरी वीडियो बताया था कि अभी दो तरह के बैंकों को अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक तो पेमेंट बैंक है और एक स्मॉल बैंक है। अगर मैं बात करूँ दोनों की तो इनका मतलब क्या है, कौन कौन से बैंक इसमें कार्यरत हैं, क्या इसमें रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है, वो मैं आपको कहने बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, अगर मैं बात करूँ नचिकेत मोरे की कमेटी आई थी, एक कॉन्सेप्ट आया था LAB लोकल एरिया बैंक, मतलब उस स्थान पर लोकल एरिया पे और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जो बैंकिंग सुविधा देने के लिए लोकल एरिया बैंक का रिकमेंडेशन के बारे में कॉन्सेप्ट इन 1996-97 में। 2014 नचिकेत मोरे कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए फिर से लोकल एरिया बैंक की बात हुई और उसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी के बारे में बात की, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी की बात की। उसी कॉन्सेप्ट के तहत दो तरह के बैंकों का बात की गई, पहला होगा पेमेंट बैंक और दूसरा होगा दोस्तों आपके पास और स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक। लॉजिक क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, घर घर में बैंकिंग सुविधा पहुंचे, छोटे से छोटे एरिया में, भारत के सभी एरिया में बैंकिंग सुविधा पहुंचे, ये कहेंगे इस पूरी की पूरी प्रोसेस का मकसद होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया वित्त जहाँ है तभी कहीं की ग्रोथ है। तो हम क्या चाहते हैं, भारत के हर घर में जनधन योजना भी कहीं इसी का पार्ट है दोस्तों। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सो कॉल्ड इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे जनधन योजना हो, वो सब के सब किसका पार्ट थी फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जिसका मैं पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी की पूरी योजनाओं के बारे में आपको समझाऊंगा। क्या अभी समझते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, नचिकेत मोरे की रिपोर्ट आती है और नचिकेत मोरे की रिपोर्ट के बाद 27 नवंबर 2014 को RBI दिशा निर्देश जारी करती है पेमेंट बैंक और कहीं ना कहीं फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। और इन आवेदन पत्रों में की जो आखिरी तिथि तय की जाती है वो है 16 जनवरी 2015, जिसको बाद में बढ़ाकर 2 फरवरी 2015 की जाती है। इस ड्यूरेशन में कुल 72 एप्लीकेशन आती है स्मॉल बैंक की और 41 एप्लीकेशन आती है पेमेंट बैंक की। तो जो एप्लीकेशन हैं वो क्राइटेरिया जो RBI की क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो RBI की जो डिप्टी गवर्नर है उषा थरूर की अध्यक्षता में स्मॉल बैंक की स्क्रूटनी आती है, जो एप्लीकेशन स्क्रूटनी आती है, और नचिकेत मोरे के की अध्यक्षता में पेमेंट बैंक की स्क्रूटनी की जाती है। उषा थरूर की स्क्रूटनी के बाद 10 बैंकों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी जाती है, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अब देखिए कौन कौन से वो 10 बैंक हैं जिनको मंजूरी मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि बहुत काम का है, सबसे पहले मैं नाम का AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर, राजस्थान का एकमात्र बैंक जो कि स्मॉल फाइनेंस के रूप में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान का एकमात्र बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस है और पूछा जाए राजस्थान का पहला स्मॉल बैंक जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत स्मॉल बैंक में चयनित है, वो है AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक प्राइवेट लिमिटेड। इसके जो CMD है वो संजय अग्रवाल साहब है, मैं आपको बता देता हूँ। अब दूसरा है कैपिटल लैब जालंधर, कैपिटल लोकल एरिया बैंक जालंधर, दिशा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, इक्विटेस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, ESAF माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड गुवाहाटी, RGV नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड गुवाहाटी, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई, उज्जीवन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड वाराणसी। इन 10 बैंकों को उषा थरूर समिति ने मंजूरी दी है और 18 माह का समय दिया है कि आप अपने ऑपरेशंस को पूरा कर सकते हैं, अपने ऑपरेशन को शुरू कर सकते हैं और अपना जो भी सेटअप है वो आप लगा सकते हैं। ये हमारे मुख्य 10 बैंकों को इससे मंजूरी मिली है।
और अगर बात करूँ पेमेंट बैंक की तो वहाँ पे 41 एप्लीकेशन आई है और लगभग 11 बैंकों को लाइसेंस देने की बात की गई है और लाइसेंस दिया गया है, पर उनमें से 3 बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए थे, 3 जो लोग थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, वो मैं बता दूंगा कौन से 11 वो ग्रुप थे। तो सबसे पहले है आदित्य बिरला नोवो ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसका खुद का आइडिया है, वहाँ पे उन्होंने नोवो के साथ टाइप किया है और अपनी दूरसंचार कंपनी में आईडिया के थ्रू पेमेंट बैंक की स्थापना की बात की गई है। दूसरा है भारतीय एयरटेल, एयरटेल एम कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक जो आप देख रहे हैं। चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चोलामंडलम की सब्सिडियरी कंपनी को कहीं ना कहीं लाइसेंस मिला है पेमेंट बैंक के लिए। पोस्ट ऑफिस बैंक पेमेंट बैंक आपने देख ही रहे हैं, अभी रिसेंटली पोस्ट ऑफिस बैंक का अनावरण भी हुआ है। फिनो पेटैक बैंक, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है उसको भी लाइसेंस मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस की कौन सी वाली, मुकेश अंबानी वाली, ने एसबीआई के साथ टाइप किया है कि वो वहाँ पे उनको फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे। दिलीप शांतिवाल सांगवी समिति, ये एकमात्र ऐसे आवेदक थे जिन्होंने खुद या एकल रूप से इसके लिए आवेदन किया था, इन्होंने IDFC के साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात की थी, पर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये मैं बता दूं अभी IDFC थोड़ा ट्रबल में आया है, सरकार उसको खुद अपने उसके सारे बिजनेस मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने वाली है, एक वन ऑफ दी NBFC थी वो। विजय शेखर शर्मा की पेटीएम करो, इसको भी लाइसेंस मिला है। टेक महिंद्रा मोब मनी टैप एंड पे, इसको भी कहीं ना मिला है। वोडाफोन एम-पैसा जो लगातार 2 वर्षों से ये सर्विस दे रही थी उसको फाइनली लाइसेंस मिला है पेमेंट बैंक के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दूं किन 3 कंपनियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। चोलामंडलम ने मना कर दिया है कि वो इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे और उन्होंने अपना आवेदन लौटा दिया, अपना लाइसेंस लौटा दिया RBI को। दिलीप शांतिवाल सांगवी ने जो करस्पॉन्डेंस किया था, पार्टनरशिप की थी IDFC के साथ, क्योंकि IDFC इस समय बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल में है और यहाँ से कुछ तक सरकार अभी चल रहा है मैटर, अभी कोर्ट में है ये मैटर, और सरकार उसके जो सो कॉल्ड सारे ऑपरेशन अपने हाथ में लेने की मूड में है, तो उन्होंने भी ये वापस दे दिया है। एक महिंद्रा ने भी मोब मनी जो टैप एंड पे जो उनका वॉलेट आया था उसको इस बिजनेस में एंटर नहीं किया है और उन्होंने भी अपना हाथ खड़े करते हुए अपने लाइसेंस को उन्हें RBI को लौटा दिया है। दोस्तों मेन बात समझने की ये है कि पेमेंट बैंक और दोनों बैंकों में अंतर क्या है। देखो दोनों के दोनों काम क्या है, कहने के फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, हर एक व्यक्ति के पास बैंकिंग रिलेटेड सुविधाएं। तो सोचिए आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि मोबाइल इतना स्ट्रांग होता जाएगा कि आप जो पेमेंट है वो मोबाइल के एक बटन के थ्रू कर रहे होंगे, यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन पार्ट है कि हर घर में, यानी कि अब बैंकिंग सुविधा एक सिंगल टिप के ऊपर चल रही है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वन ऑफ द रीजन था कि छोटे बड़े छोटे मोटे लोगों को उनकी बचतों और उनके आरडी अकाउंट को खोलना, ये वन ऑफ द रीजन था। इसी तरह से अब जब शुरुआत हुई थी उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे सेविंग के ऊपर बहुत अच्छे खासे मिल रहे थे इन बैंक में। दूसरा लॉजिक ये था कि मतलब बैंकिंग की जो सो कॉल्ड हैबिट्स हैं वो कॉमन मैन को जनरेट हो, दैट इज वन ऑफ द रीजन। अब दोनों की अगर बात करें, दोनों की जो पेड अप कैपिटल RBI ने मांगी है वो है 100 करोड़ रुपए, परंतु दोस्तों क्लियर दोनों के अगर बीच में सिर्फ और सिर्फ एक मात्र डिफरेंस ये है कि पेमेंट बैंक सारी बैंकिंग सुविधाओं के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, इनकी ATM भी होंगी, सब कुछ होगा, पर पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं, पैसे को जमा कर सकते हैं, रिकरिंग में भी कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, करंट के रूप में कर सकते हैं, पर ये लोन नहीं दे सकते। ये सारे के सारे बैंकिंग ऑपरेशन से वो करेंगे और यहाँ तक कि लोन भी देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, लोकल LAP को ही एक्सटेंडेड वर्जन ये स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक है। लोकल इंडिया बैंक कनेक्टेड नहीं होते, उस समय ये सोच ये थी कि ये 1996 की सोच है, जब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग होगी और हर एक एरिया में बैंकिंग हो, दैट इज द लॉजिक ऑफ लोकल एरिया बैंक, बट उसकी एक्सटेंडेड वर्जन कहने के क्या था, स्मॉल बैंक एंड दी पेमेंट बैंक। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और हमेशा क्वेश्चन बनना है।
देखिए सबसे पहले आपको पता होगा आरबीआई हुआ था, आरबीआई की अभी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनके बारे में पढ़ना पता होना चाहिए। आरबीआई का जो स्थापना है 1935 की, 1 अप्रैल 1935, ये किसके रिकमेंडेशन हुआ था, हिल्टन समिति की सिफारिशों के आधार पर। मैंने बताया भी था कि उस समय भारत में एक सेंट्रल बैंक की सोच प्रिपेयर हुई थी कि कोई ना कोई भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, उसी समिति के आधार पर, उसी समिति की रिकमेंडेशन आधार पर भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका वर्तमान कार्यालय मुंबई में है, पर दोस्तों पहले ये कार्यालय कोलकाता में हुआ करता था क्योंकि अंग्रेजों का बैंक था, बता दूं क्लियर। तो पहले कोलकाता था, पर जब से भारत आजाद हुआ है तब से कहां पर है, ये मुंबई में है। दूसरा है आईआरडीए, आईआरडीए है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 2000 में। ये कैसे हुई है, आर एन मल्होत्रा की समिति की सिफारिशों पर। क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है या फिर जो चार GICs हैं उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा नहीं किया था, वो उतने लोगों को इंश्योर नहीं कर पाते जितने की टारगेटेड था। तो लगातार इसकी मांग उठी कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी निजी क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाए। तो पहले हमने 26% FDA के साथ निजी क्षेत्र को शामिल किया, इस समय ये 49% है, और सरकार फ्यूचर में 100% FDI इंश्योरेंस कंपनीज में लाने वाली है दोस्तों। पर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी रेगुलेटरी है वो कौन हैंडल करता है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, RN मल्होत्रा की सिफारिश हुई है, और IDA एक्ट के बाद बनी है। IDA एक्ट आया था इंश्योरेंस डेवलपमेंट एक्ट अथॉरिटी एक्ट 1999, और इसकी स्थापना हुई है 2000 में। ये ऐसी एक्ट 34 में आया था और स्थापना हुई है 1935 में। जाना था दोस्तों, कई बार कन्फ्यूजन रहता है, एक्ट आया 1999 में, बना ये है 2000 में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। सेबी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका कार्य क्या है कि जो भी प्रतिभूतियां हैं उनके बारे में जो भी नियम कार्य चल रहे हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, मतलब वित्तीय बाजार जो आप फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं, वहां जो रेगुलेटरी है वो कौन है, सेबी है। इसकी स्थापना हुई 1998 में, परंतु और ये किसकी आधार पर, एस के दवी समिति की सिफारिश के आधार पर इसको पावर नहीं दी गई थी, परंतु 1992 में जब हर्षद मेहता घोटाला हुआ बहुत बड़ा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं संसद में प्रस्ताव पारित करके इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है सेबी को, और इसका भी कार्यालय कहां पर है, मुंबई में। चौथा है दोस्तों PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 2003 में बनी है, पर इसका कोई नियामक संस्था के रूप में भी काम कर रही है। पेंशन से रिलेटेड जो भी जो पेंशन और फंड जो है उनको मैनेज करने का काम करती है PFRDA करती है, ये 2003 में बनी है। अब देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट बात जो इसमें समझने की ये है, एक इम्पोर्टेंट क्योंकि किसी भी बुक में बहुत प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है, RBI, RDA, SEBI और PFRDA, ठीक है, इन सभी में जो आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है इनके बीच में टकराव की स्थिति आने पर कहीं ना कहीं इनके टकराव को सॉल्व करने के लिए FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया था दिसंबर 2010 में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा वित्त मंत्री होता है, ताकि इनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज है इनके अगर के बीच में किसी तरह का तनाव हो तो उसको सुलझाने के लिए, कोई मैटर हो, कुछ तरह का प्रॉब्लम हो तो सुलझाने के लिए कौन है, FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री भारत सरकार का। 31 दिसंबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक चीज और, अब तक तो क्या था, RBI टाइम टाइम पे बैंकिंग लाइसेंस मांगता है, पर अभी रिसेंटली RBI ने एक अगस्त 2016 से ऑन टैप, मतलब कि वो कोई आप कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी संस्था इनफेक्ट कभी भी आवेदन कर सकती है भारत में बैंकिंग में एंटर करने के लिए। वो किसी तरह के लाइसेंस के अप्लाई कर सकती है, पेमेंट बैंक, लघु बैंक, मतलब स्मॉल बैंक, प्राइवेट बैंक, व्हाटएवर। ठीक है, तो अगर बात करें बंधन एंड ऑल, तो बंधन और IFDC ये दो नए प्राइवेट बैंक हैं जो अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं,
ठीक है, तो ऑन टैप की बेसिस पे ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आज के इतना ही काफी दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी बात और मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। लगातार बने रहे अपोगे की इस ऑनलाइन क्लासेस में। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज शेयर भी करें। आप समझ सकते हैं कि काफी रिसर्च के बाद में ये वीडियो बना पाता हूँ, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। काफी कंटेंट ढूंढना पड़ता है, तब उसके बाद कहने में ये कंटेंट को मैं आपको डिलीवर कर पाता हूँ। तो दोस्तों लगातार बने रहे अपोगे लाइफ पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इतना काफी।